तो ऑलराउंडर, क्या हाल है? वेलकम बैक टू द अनदर। और आज है January 2 और अब बज रहा है 9:15। तो मैं आज जो है कल 1-2 बजे सोया था और मेरी पहले की भी दिन खराब नींद हुई नहीं, तो आज मैं बहुत देर सो लिया हूँ, 1-2 घंटे ज़्यादा। और इसलिए आज मैं अपना एकदम आराम से ब्लॉग कर लूँगा, पढ़ भी लूँगा। तो भाई एक बैड न्यूज़ है, वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हमारा टारजन है इसके पीछे का एक पैर खराब हो गया, तो ना ही स्टडी चल पाता है ना ही आगे पीछे चल पाता है। इसलिए हमने डॉक्टर बुलाया था कि इसे दिखाएं भाई बड़ा। तो भाई टारजन के जो है डॉक्टर अंकल आ गए हैं चेकअप चेक करने, तो हम वो देखते हैं। आओ। तो अब भाई टारजन तो सो रहा है आराम से, बट उसके पैर में थोड़ी सी ही दिक्कत है, जॉइंट में हल्की सी, बस ज्यादा कुछ है नहीं। तो वो अंकल ने कही है मेडिसिन दे गए हैं, वो मेडिसिन देनी है और वो ठीक हो जाएगा। तो भाई टारजन तो एकदम बढ़िया हो गया। और अब बचते हैं 3:30 और प्रदीप भैया को हम फोन दे के आते हैं, उनका अच्छो है। भैया को मैं उनका फोन दे आया, हंस रहे थे, उनका रिएक्शन ज्यादा तो बढ़िया था नहीं, बट वो हंस रहे थे तो उसका मतलब वो खुश हो गए फोन को देख के। आज कबाड़ी वाले अंकल भी आएंगे, वो सारा सामान हमें दे देना उन्हें, तो इसलिए। और ये टारजन आराम से यहाँ पे सो रहा है, अभी ठीक है इसकी तबीयत। और इस ये हीटर भी रख दिया हमने इसके लिए, ये वाला हीटर हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये छोटे वाले प्लग में अच्छे से लग जाएगा इसलिए। और ये हीटर भाई मस्त गर्मी दे रहा है, और दरवाज़ा भी इसके लिए बंद कर देता है किसे ज़्यादा ठंड ना लगे। बाकी मस्त आराम से सो रहा है, और ये देखो उसका हीटर। मैं भी जो है कुछ खाना पीना देखता हूँ, कुछ अच्छा सा मम्मी ने जो बनाया होगा वो खाते हैं। और मम्मी हमारी पुदीना धो रही है, पुदीना ही क्या है, बथुआ धो रही है। तो अंडे लाते हैं और अंडे खाएंगे अब, एज यूजुअल हमारे अंडे इसी जगह पर रखे हुए हैं, इन्हें कोई निकालते हैं। मिल गया, अब इन्हें उबालता हूँ और खाते हूँ, फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ। तो भाई लोग, अब मैं जो पैसे जमा कर रहा हूँ ना अपने, वो मैं इसलिए जमा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना रूम में जो चीज़ें लगवानी है उसके लिए। मम्मी वगैरह जो पैसे देंगी देंगी नहीं, वो कह रही है तू इसी रूम में रहा कर, बट मुझे इस रूम में नहीं रहना। मैं जब 6th 5th में था तभी मुझे वो वाला रूम चाहिए ही चाहिए था, तब तो मैं ये समझ लेता था भाई बेटा तो अच्छा है, अभी ऐसे ही बोल रहा है। बट भाई अब हम 10th में आने वाले हैं, हम बड़े हो जाएंगे, हमें एक रूम अपना चाहिए। मतलब ये रूम में भी मैं अकेले सो सकता हूँ, बट मुझे वही रूम चाहिए, मुझे वो अच्छा लगता है, पसंद है। पूरी भाई रोड देखेगी ऊपर से नीचे, ऊपर एक ऊपर जो छत्ती जैसा कंपार्टमेंट भी है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो भाई मुझे वही रूम चाहिए, उसके लिए मैंने पैसे जमा किए। तो भाई सब अंडे तो रख दिए उबाल लें, बट भाई इसमें गैस ही नहीं आ रही। देखो कुकर वुकर में देखो मैंने ऑन किया, तुम लोग को लगेगा कम ऑन किया, ये देखो और ऑन किया, देखो इतनी ज़्यादा कम आ रही बुझ गई। तो ये वाला सिलेंडर लगवाना पड़ेगा तब जाके गैस आएगी। आओ इसे लगाएं, ये वाला लगेगा भाई हमारे दो आते हैं, एक इंडियन कंपनी का इंडियन का आता है और एक कौन सा आता है, और एक HP वाला आता है। तो ये HP का है वो इंडियन का है, अब दोनों में से कौन सा लगेगा ये नहीं पता। ये तो पूरा खाली हो चुका है, इसे हटाते हैं। ये वाला जो फ़ोन है ना इतना ज़्यादा मस्त चलता है, इसकी रिकॉर्डिंग में अच्छी से हो जाती है, ब्लॉगिंग में। तो कैमरा लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ले भी नहीं पाऊँगा, पैसे नहीं है इसकी ज़रूरत है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छा कैमरा है ये फ़ोन है, 6 से 7 बार तो गिर चुका है बट फिर भी ये टूटा नहीं है, इसकी स्क्रीन भी एकदम सही काम। अब हम जा रहे हैं टारजन की दवाई लेने, और अब तुम देखो कि मैं स्कूटर चला कैसे चलाता हूँ। दवाई लेने आया हूँ, ये दवा को दवाई टारजन की दवाई लेनी हो, और उसके लिए भाई साहब XXL वाले डायपर भी लेने, क्योंकि वो भाई ना आप टॉयलेट कर पाता है ना पोटी, तो उसको वहीं करवानी पड़ेगी। और जब वो ठीक हो जाएगा तभी वो बाहर घूमने जा पाएगा, तो सब कुछ ले लेते हैं और फिर तुम्हारा मिलते हैं। अभी हम लोग घर आ गए हैं, घर आके ये देखो एक कबाड़ी वाले अंकल आ गए, और ये सारा कबाड़ा हमें बेचना है, हमारी पूरी गैलरी भर गई है, और इसे हमें बेचना भी। और वो खड़े हुए देखो सब देख रहे, इतना सारा कबाड़ा है, ये दादी कह रही है सिर्फ 500 रुपए में बिकेगा, 500 रुपए में बिकेगा बस। कौन से कह रहा है तू? किसी से नहीं कह रहा, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा बताओ कि कितने का बिकेगा। अब छांट देने का टाइम आ गया जो अंकल। अब ये सब कैलकुलेट किया जा रहा है, कितना कितना किलो ये सब सब कुछ फेंका जा रहा है, और ये लोहा फेंकेंगे।
के ले जाना ना पड़े ना, अब वो नीचे से उठा लेंगे। नीचे जाओ, जल्दी सेट कर लो यार। और ये अब इसकी बारी आ गई। ओ भाई साहब, तो यार कबाड़ा तो बिक गया है और मेरी देखो बाल दोबारा खराब हुए। अब वो अंकल जो है जो अपनी गाड़ी मतलब जो चीज लेके आए उसमें सामान फिट कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। देखो इतना सारा हमारा है ये कबाड़ा, और इतने सारे वो ड्रम भी हमारा है, और ये इतने सबको वो अपने उस गाड़ी में फिट कर रहे हैं, ये वाली जो है साइकिल। और वो और है, और ये हमारा टार्जन अब हम बहुत ज़्यादा सही हो गया है, उसे कोई दिक्कत है नहीं। बट फिर ये मेरी गोद आके बैठ गया, देखो आराम से मस्त सोया हुआ है, और वहाँ बन रहा है खाना। तो भाई अब पूड़ी कचौड़ी खा ली और अब बहुत नींद आ रही है, अब थोड़ी देर सो लेते हैं और 3 बजे उठ के पढ़ेंगे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं टार्जन की दवाई लेने, क्योंकि भूख मिलेगी कुआरसी पे, और कुआरसी पे मैं गया नहीं था उनके संग, प्रदीप भैया के संग। तो अब हम जा रहे हैं प्रदीप भैया के संग जा रहे हैं, तब मैं गया नहीं था क्योंकि बाबा जाएंगे फैक्ट्री, तो वो लेते हुए आ जाते। अब चलते हैं। तो यार अभी टार्जन की दवाई ले लिया, आधा अलीगढ़ घूमने के बाद हमें फाइनली एक जगह पर दवाई मिली है ना। और ये देखो ये टार्जन के लिए डायपर। तो भाई अब आ गए हैं घर, आ गए हैं अब लोग भाई हम, और पूरे कम से कम आधे अलीगढ़ की भाई ये क्या है, हाँ आधे अलीगढ़ की हमने दुकानें ढूंढ देख ली केमिस्ट की, तब जाके हमें एक दुकान पे मिली और वहां से हम लेके आए हैं। तो भाई साहब अब हम बैठ गए हैं पढ़ने, फिलहाल मेरे को इस महीने में 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाया करना अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही हो, मुझे बस इस महीने के अंदर ख़त्म कर देना कहते हैं 20 सब्सक्राइबर्स। तो अभी टार्जन की सिकाई के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, टार्जन के पैर की सिकाई होगी उसके लिए। और ये भैया बैठे हैं, अभी भैया चले गए हैं बाबा को लेके फैक्ट्री, और अब मैं पढ़ रहा था बट कुछ इलेक्ट्रिशियन अंकल आ गए थे कुछ काम करने, तो फिर मैं उन्हीं के संग काम के लिए मैं देख रहा था। और अब फिलहाल भाई पूरी क्वाड़सी से वापस मैंने स्कूटर चलाया है, और तो चलो फिर दोबारा से बैठते पढ़ने। बट भाई मेरी आंखों में ना ऐसी नींद भर रखी है, बट कोई नहीं, आज संडे था, संडे को मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, कल हम दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ, मैं इतना दूर रखना अपने मुंह को एकदम पास लिया है ना। तो अब करते हैं, मैंने अपने एक माइक ऑर्डर किया है, वो जो कॉलर माइक जो होते हैं वो ऑर्डर किया है, अब ब्लूटूथ वाला नहीं वायर वाला, ब्लूटूथ वाला बड़ा महंगा है तो वो किया है मैंने ऑर्डर, वो कम से कम 100-150 तक का आ जाता है। वो मैंने क्यों किया है वो तुम लोग को आगे पता लग जाएगा। भाई मेरे को नींद आ रही है, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं, और अभी बच गए 4 एग्जैक्ट, तो मुझे भाई एक कॉफ़ी बना लेनी चाहिए। कॉफ़ी तो बन गई है, और ये मेरा कैमरा क्यों गंदा हो गया पता नहीं, मेरे ख्याल से कॉफ़ी की भाप से हो गया है। तो ये कॉफ़ी बन गई, अभी सब पीते हैं फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ। तो भाई मैंने एक इंट्रो बनवाया था अपने दोस्त से है ना, तो उसने बनाया है एक रीच ब्लॉग्स के नाम का इंट्रो, जो कि तुम लोग को स्टार्टिंग में अब दिख गया होगा, स्टार्टिंग में तुम लोग को पहले ही दिख गया होगा, अब क्या मैं तुम लोग को बताऊँ। तो वो इंट्रो मेरे दोस्त ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, उसने बना के मुझे भेजा था। अभी बज रहे हैं 5 और प्रदीप भैया चले गए हैं घर, क्योंकि अब तो कुछ था नहीं, बाबा आ गए तो ये बंदर मस्ती कर रहे हैं क्या भाई, उनके आगे कपड़े फाड़ वाड़ रहे हैं। देखो देखो वो कपड़ों के स्टैंड पर बैठा है। तो भाई साहब अब हम थोड़ी देर पढ़ते हैं, मैं तो बार बार बोले जा रहा हूँ पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ने नहीं बैठा, अब बैठेंगे पढ़ने। चाय ब्रेड दे के आते हैं दादी पापा को, हम फैक्ट्री तुम्हें घुमा के लाऊंगा, मतलब तुम लोग को दिखा के लाऊंगा पेपर के बाद, यानी कि 30 जनवरी के बाद। भाई 30 जनवरी तक 20 सब्सक्राइबर्स करने हैं मुझे। चाय ब्रेड, दादी सो रही हैं और बाबा काम कर रहे हैं। मुझे घर में स्कूटर नहीं चलाने देते, तो मैं प्रदीप भैया के संग जब जाता हूँ तो वो मुझे चलाने देते हैं, मतलब वो मुझे रोकते नहीं है। उन्होंने मुझसे एक बार कही थी आपको आता है स्कूटर, जब वो पहली बार आए थे तब, तो मैंने उन्हें जब चला के दिखाया तो उन्हें भी भरोसा हो गया आता है, तो मुझे चलाने देते हैं। बट पापा मम्मी को एक बारी बैठे मेरे संग तब तो पता लगे कि मुझे आता है नहीं आता। मैं तुम लोग को अपना रूम दिखा के आता हूँ सारा कपड़ा जाने के बाद। चाबी लेते हैं रूम की, अब मैं तुम लोग को दिखाने लेके चलता हूँ मेरा रूम सारा सामान हटाने के बाद। देखो ये सारा अब तो छोटा मोटा ऐसा सामान है जो कि रूम बनने पे ज़रूरत के लिए हट सकता है, और यहाँ पे तुम लोग को ये मेसअप लग रहा होगा बट ये इतना कुछ है नहीं। दोनों ये खाली डिब्बे हैं जो कि हट जाएंगे, वो भी खाली है, ये पटाखे हट जाएंगे, और बस ये बस इसके नीचे एक कार्टून है वो भी खाली है, और उसके ऊपर हमने ये ढक दिया है बस, और कुछ नहीं है। मेरा रूम अब एकदम साफ है, मैं तुम्हें अब दिखा सकता हूँ ऊपर क्या है, बिकॉज यहाँ पे सीढ़ी रखी है। फ्लैश लाइट चलाते हैं, अब दिखाता हूँ। देखो भाई साहब ये सब सामान जो है
लकड़ी वगैरह का है जो कि हट जाएगा 2 मिनट में ही, बाकी पूरा खाली हो चुकी है, बस सफाई करनी है इसकी और वो साइकिल हटानी है। क्या क्या रहता है वो, यहाँ पे शीशे लगेंगे, एक इस पे और एक उस पे शीशे। इधर मैं कुछ रख सकता हूँ जस्ट लाइक टेबल चेयर वगैरह, क्योंकि इसमें बैठने के लिए खूब जगह है आराम से। मुझे बस यही चीज एकदम इंटरेस्टिंग अपने रूम में बनवानी है। एक ताला भी नया लेना है क्योंकि ये जो है ताला जो अभी लग रहा है वो खराब भी हो चुका है। हमने टारसन के लिए हीटर भी चला रखा है और ये देखो इसे खाना खिला रही है और ये शामाशी। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, अरे हेलो बोलो। इसको एक वो मिल गया मुझे आइडिया, ब्रेड खा रहा है ये तो। टारजन को चाहिए पीने को गर्म पानी, तो हम गर्म पानी दे देते हैं, इसमें कर देते हैं। तब वो पीछे बिल्लू, ऐसा मेरे को तो लग रहा है मेरे अभी 14 सब्सक्राइबर्स से सुबह तक 2 और बढ़ गए, यानी कि 16। यानी कि अगर ऐसे ही बढ़ते रहें तो मैं इस महीने तक 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दूँ। बाय द वे अभी हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमारे जो नीचे जो है वो क्या कहते हैं वो जो बिछेगा सॉफ्ट ब्लैक सॉफ्ट कारपेट, भाई वो बहुत महंगा आने वाला है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, है ना। तो वो बिछेगा ब्लैक सॉफ्ट कारपेट, तो उसके लिए मुझे दादी से एक अंकल हैं उनको बुलवाना है ताकि वो साइज ले जाएं कितने का बने का। तो अब बज गए हैं 6 और मैं पढ़ लिया हूँ थोड़ी बहुत देर, और अब भाई बाबा की बर्थडे है तो कुछ खाने को मंगवाएंगे अच्छा सा, जो कि हम खा लेंगे, मतलब अच्छा सा चाँप वगैरह मंगवाएंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है, चाँप और रुमाली रोटी, तो वो मंगवाते हैं वो तो मैं दिखाता हूँ। तो यार मुझे लग रही है भूख, और भाई अभी तक चाँप नहीं आई है, हमने जोमेटो से ऑर्डर की थी, भाई बड़ी तेज़ भूख लग रही है मुझे अब तो। तो यार सोया चाँप वगैरह तो आ गई भाई, 8:30 पे आई है, इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और अब भी 8:30 नहीं 9 बजने में, अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए। तो यार व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार याद रखना, इस महीने की एंड तक मुझे 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना प्लीज़। बाय बाय।